हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा रिटर्न टिकट मिल गई, मेरा रिटर्न वर्गा कोई कुछ न्यूज बन जाए कोई पैदा नहीं हुआ होगा। मेरा रिटर्न किसी का बुरा नहीं किया, बदला सोचा, खाया नहीं खुआना सोचा। बहुत खुश हैं और परमात्मा इनको विजयी बनाएगा, ये हमारा पूरा पूरा विश्वास। राजकुमार पायल जी को टिकट मिलेगी, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है जी, अभी तो चुनाव घोषित हुआ है, उससे पहले ही टिकट दे दिया। हाँ जी बिल्कुल, हो गया। खुशी है पूरी? बिल्कुल खुशी है जी। पूरा जोर लगा दोगे जी? बिल्कुल जी। देखिए चुनावी चर्चा अनिल कुमार के साथ। जीन चुलाना उचाना विधानसभा क्षेत्र से अगर आप भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं इस चुनावी माहौल में तो कीजिए हमसे संपर्क और जुड़िए हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 70 और मैं हूं आपके साथ अनिल कुमार। आज हम हैं जुलाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर। आम आदमी पार्टी ने चुनाव घोषित होने से पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जुलाना विधानसभा से राजकुमार पहल जी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सबसे पहले न्यूज 70 के ऊपर और हमारे साथ में है राजकुमार पहल जी जो उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के। अब उन्हीं से बात करते हैं कि उनको उम्मीदवार घोषित किया है, उसके ऊपर क्या कहना है, कैसे ऐसे ऐसे मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच में लेके जाएंगे। आइए हमारे साथ में जी राजकुमार जी, आपको आम आदमी पार्टी ने आपका उम्मीदवार घोषित कर दिया है, क्या कहेंगे इस चीज़ के बारे में? सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का और सह प्रभारी जी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नवीन जैन जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी दी है और मैं उनकी जिम्मेवारी जो उन्होंने मेरे विश्वास के ऊपर दी है मैं उस पर खरा उतरूंगा। जी बिल्कुल, ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जनता के बीच में आप लेके जाएंगे जुलाना क्षेत्र के अंदर जो नहीं अब तक नहीं हुआ है? देखिए आम आदमी पार्टी एक मुद्दों के आधार पे ही पार्टी बनी थी और दिल्ली के अंदर मुद्दों के आधार पे ही काम कर रही है। हरियाणा में उस दिल्ली से अलग कोई मुद्दे नहीं है। हरियाणा के अंदर भी शिक्षा चाहिए, हरियाणा के अंदर भी हॉस्पिटल अच्छे चाहिए, हरियाणा के अंदर भी किसान को अपनी फसल का भाव चाहिए और प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए तो मुआवजा चाहिए, तुम बेरोजगार को रोजगार चाहिए, हैं पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, लाइट चाहिए, तो वही मूलभूत सुविधाएं हरियाणा के अंदर चाहिए और हमारा उसी के ऊपर फोकस रहेगा। आपका जनता के बीच में भी संपर्क रहा है, आप जनता के बीच में रहे हैं, जुलाना क्षेत्र के अंदर घूमे हैं, ऐसे मतलब कौन सी जगह आपको लगी जिसकी हमें अहम कमी रही है? देखो जुलाना क्षेत्र के अंदर सारी सरकारों ने कोई काम नहीं किया है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। जुलाना के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। जिस दिन हरियाणा बना प्रांत बना था उस दिन से लेकर के जींद जिले से आधी सरकारें रही हैं तो किसी ने काम की ओर ध्यान नहीं दिया। जुलाना के अंदर है आज भी सबसे ज़्यादा किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है और 70% गांव में पीने के लिए पानी नहीं है। हमारी माताओं बहनों को बहुत दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। 4 साल पहले निडाना गांव के अंदर 5 युवाओं की मौत पानी के लिए हुई थी, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है कि हम पीने का पानी नहीं दे सकते, तो इन सरकारों को डूब कर मरना चाहिए। जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे मुख्यमंत्री, कांग्रेस में भी बदलाव हुआ है, मुकाबला किससे मान रहे हैं? देखो मुकाबला हमारा किसी से नहीं है, ये जो आप आशीर्वाद यात्रा जो मुख्यमंत्री की जो बोल रहे हैं हम इसको एक दुरक्ति यात्रा कह रहे हैं, ये आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये दुरक्ति यात्रा है। अगर मुख्यमंत्री जी ने अच्छे काम किए होते तो उनको इस तरह यात्रा निकालने की जरूरत नहीं थी, लोग अपने आप आशीर्वाद दे देते। उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने 36 बिरादरी को आपस में लड़ाया है, हरियाणा को जलाया है, तो ये दुरक्ति यात्रा है ना कि आशीर्वाद यात्रा, और लोग अब इसके बहकावे में नहीं आएंगे। जी ये बिल्कुल, हमारे राजकुमार पायल जी के साथ साथ में उनके परिवार के लोग भी हमारे साथ में, उनकी माता जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी आपके बेटे को टिकट मिलेगी आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे इस चीज़ के बारे में? मैं नहीं कहूंगी, मेरा रिटर्न टिकट मिलगी, मेरा रिटर्न वर्गा कोई कुछ न्यूज बन जाए जिनको पैदा नहीं हुआ होगा। मेरा रिटर्न किसी का बुरा नहीं किया, भला सोचा, खाया नहीं खुआना सोचा। अब बात करें राजकुमार, देखो अब बचपन से आपने इसको पाला पोसा है, अब राजनीति में इनका कदम हो गया है, समाज सेवा में इनका कदम रहा है, किस तरीके का नेचर है? माँ बाप का ये फर्ज है, पाल दिया पोष दिया, मेरा बेटा बहुत सुथरे काम सोचते है, इसके पूरे होने चाहिए। अभी वो जो भी जीत बना पंचायत के बीच में रहेगा और माड़ी नहीं करेगा, अच्छी करेगा, खा नहीं गा खुआ क्या होगा, मेरा बेटा सब सुथरे काम करेगा। राजकुमार पहल की माँ के साथ साथ में उनके परिवार के सदस्य भी हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आपके, क्या रिलेशन है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी है, पार्टी ने टिकट मतलब ये सोच के नहीं दिए कि भाई वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पार्टी ने टिकट इसलिए दिए क्योंकि वो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं
वो ऐसे पार्टी से नहीं जुड़े थे, वो ना स्टार्टिंग में जब आंदोलन हुआ था तो उससे जुड़े थे, उस टाइम से पहले कोई भी पार्टी नहीं थी उसके बाद। और फर्स्टली मैं यही कहूंगी कि ना केजरीवाल जी स्टार्टिंग से कहते आए हैं कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। जी बिल्कुल। कभी केजरीवाल से मिले हैं आप? नहीं, मैं आज तक नहीं मिली हूँ। विधायक बन गए तो फिर मौका मिलेगा? हाँ, मौका मिलेगा, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी बात है। और उनके से, उनको मिलना ये नहीं है कि हम किसी बड़े आदमी से मिल लें, वो ये दिखाते हैं कि हम अपने ही हैं, वो आम आदमी बन के रहते हैं। आपने भी देखा होगा कि वो दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो उस टाइम से अभी तक उनमें कोई चेंज नहीं आया है कि वो अब बड़े हो गए हैं, VIP कल्चर है कि उन्होंने ये सब चीजें छोड़ दी है। एक एजुकेटेड है, फिलहाल अगर बात करें राजनीति की, जो फिलहाल जो राजनीति का स्तर है, क्या कुछ देख रहे हैं राजनीति में आप, मतलब क्या बदलाव आ रहे हैं, किस तरह की राजनीति चाह रहे हैं आप? बातें बातें बदल रही हैं और कुछ नहीं बदल रहा है। जी, अगर बात करें, देखो आप एक लड़की हैं, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करें और चीजों के बारे में, इसके बारे में क्या कहें? यही कहूंगी कि कुछ भी नहीं बदला है, वैसा ही है, बल्कि और बढ़ती जा रही है घटनाएं। हम आए दिन देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, हमारे आसपास भी देखते हैं, तो हर जगह यही होता रहे। तो जी, राजकुमार पहल जी के और भी परिवार के सदस्य हमारे साथ में, पहल जी को टिकट मिल गया, क्या कहेंगे इससे, कितनी खुशी है आपको? इसमें हमें बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ के लिए कि हमारे जो अंकल जी हैं उनको टिकट मिली है, इसके लिए हम जो आम आदमी पार्टी है उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इसके लिए हम सिर्फ जो हमारे सदस्य हैं उनकी तरफ से पूरे आम आदमी पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और हमें होप है कि जो हमारे चाचा जी हैं वो सब जो जितनी भी जनता की उम्मीदें हैं, चाहे वो लेडीज़ से संबंधी कोई समस्या है या वोटर से संबंधी, अगर इलेक्ट्रिसिटी से संबंधी है या कोई भी एज ए मैटर छोटा भी कोई मैटर है तो उससे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबका सोल्यूशन करने के लिए वो तत्पर रहेंगे। और सबसे ज़्यादा ये है कि वो विकास के लिए अपना जितना सहयोग होता है एट प्रेजेंट में भी वो उस चीज़ को देते हैं। ये नहीं है कि वो सिर्फ एक पार्टी का हिस्सा है, वो लोगों के दिलों तक जाना चाहते हैं, वो लोगों के अपना बनाना चाहते हैं। और सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि सभी से यही अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ इनको वोट दीजिए और अपने जो आपके जितने भी आपकी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को ये पूरी करेंगे, आपकी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं आपके जीवन को एक उच्च स्तर तक लेके जाएंगे। थैंक यू। जुलाने की जनता से क्या अपील करेंगे आप? यही करूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। वोट इसलिए ना दें कि भाई मतलब अच्छा काम करेंगे, सारी चीज़ें देख के दें। शिक्षा के लिए वो बहुत काफ़ी काम करेंगे और बहुत सारी समस्याएं आए दिन हम देखते हैं। मालवी गाँव है, जुलाना हल्के में है, उसमें देखते हैं हम उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा कीचड़ है, गलियों में चलने के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस शिक्षा का क्या फ़ायदा जिसके लिए जाने का रास्ता ही ना हो। ये थे हमारे साथ में राजकुमार पहल जी और उनके साथ में उनकी फैमिली के मेंबर। काफ़ी खुशी का माहौल है टिकट मिलने के बाद। और राजकुमार पहल जी का कहना है कि जैसे दिल्ली में विकास हमने करवाया है वैसा ही हम जुलाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर करके दिखाएंगे और पूरे विधान जुलाने के अंदर पूरे हरियाणा में ऐसा विकास करके दिखाएंगे। शिक्षा में बदलाव लाएंगे, स्वास्थ्य में बदलाव लाएंगे और अन्य चीज़ों के अंदर भी हम यहाँ पर बदलाव लाएंगे। बेटी की सुरक्षा के बारे में भी हम अच्छे कदम उठाएंगे। और जुलाना 70 के लिए अनिल कुमार। राजकुमार पहल जी को टिकट मिलेगी, क्या कहेंगे? बहुत खुश हैं और परमात्मा इनको विजयी बनाएगा, ये हमारा पूरा पूरा विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल जोर लगाएंगे। हाँ। और जहाँ भी हमने घूम करके देखा है, कौन सी बातें रहेंगी जो मतलब अब तक नहीं हो पाया ये कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। एक तो जो मेन मुद्दा है दिल्ली के विकास का है, जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने करके दिखाया है, उसी के लेकर के हम यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हमें विश्वास है कि हमें पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, हरियाणा के अंदर सरकार बना गए हैं। क्या नाम है? सत्येंद्र। राजकुमार जी, मेरे परिवार में मेरा बड़े भाई का लड़का है, ये अच्छे संस्कारों से पाले पड़ोसा का हमने, और जो उसको हमने उम्मीद थी वो अपनी उम्मीद करने के लिए हमारे को खुशी दे रहा है। हम जनता बीच में जाएंगे, अपने परिवार जैसे हमारा परिवार है। पहली बात तो यही है कि जो हमारी नेचर है वो लोगों को पसंद आएगी। समाज से राजकुमार पहल जी को टिकट मिलगी, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है जी, अभी तो चुनाव घोषित हुआ है, उससे पहले ही टिकट दे दिया। हाँ जी बिल्कुल, हो गया। खुशी है पूरी? बिल्कुल खुशी है जी। पूरा जोर लगा दोगे जितना? बिल्कुल जी। अच्छा जी, पूरा जुलाना लगेगी, जितवा के निकालो। हाँ जी, आप देखो घर में ही विधायक हो जाएगा। ऐसी कौन सी सुविधाएं जो अब तक नहीं मिले जो आपको मिलेंगी फिर? हाँ जी बिल्कुल मिलेंगी, दिल्ली के अंदर देने लग रहे हैं, यहाँ भी मिलेंगी। इनका मेन मुद्दा यही है
बात करें आपके गांव के विकास की, हाँ जी, शिक्षा को लेकर के, हाँ जी, और भी गली गली किस तरह के विकास है यहाँ पे, हो पाए? नहीं कुछ नहीं हो पा जी, पीना पानी नहीं आता। अच्छा, पानी की बड़ी समस्या है। हाँ, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, स्कूलों की भी समस्या है, शिक्षा की भी। स्कूलों की समस्या है, स्कूलों में है नहीं कुछ भी, बच्चे जाते नहीं स्कूलों में, पढ़ाई नहीं है बिल्कुल भी, शिक्षा व्यवस्था है नहीं कुछ भी। क्या हुआ सर?